हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बेसन के लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे, हलवाई जैसे बन के तैयार होंगे, दानेदार। जैसे कि मैं आपको एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ, आप देख रहे हैं कितना दानेदार बन के तैयार हुआ है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम के आसपास बेसन। यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम के आसपास घी। यहाँ पर मैंने चीनी लिया है पीस कर। चीनी को आप दरदरा पीसें, ज़्यादा पाउडर जैसा ना बनाएं। दरदरा रहेगा तो ही वो हलवाई जैसा टेस्ट आता है और हमारा लड्डू जो है दानेदार बनता है। मैंने गैस पे पैन रख दिया है, उसमें हम डालेंगे 4 छोटा चम्मच घी। इसमें पर बेसन डाल देंगे हम और अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रखे आपको घी एक बार नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। अगर आपने एक बार घी डाल दिया तो वो दानेदार वाली हलवाई जैसी इसमें टेस्ट नहीं आता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करें और जो इसमें गुठलियाँ बनती है आप उसको लगातार मिलाते रहें और निकालते रहें, वरना बेसन जो है गुठली पड़ जाती हैं और लड्डू जो है अच्छे नहीं बनते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएंगे बीच बीच में। जैसे ये बेसन भूनता जाएगा तो हम बीच बीच में घी भी ऐड करते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अच्छे से इसमें मिला लिया है। और फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच फिर से मैं घी ऐड कर रही हूँ। मैंने 100 ग्राम के आसपास घी लिया है। मैं सारा घी इस्तेमाल करूँगी पर थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको घी एक बार नहीं यूज करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा हम वैसे वैसे घी डालते जाएंगे। ये मैंने डाला आखिरी बार घी, मैंने सारा घी को डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे जैसे आप इसको भूनेंगे बेसन जो है घी रिलीज करने लगता है। अब यहाँ पे और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि जो बेसन है काफ़ी कलर चेंज हो चुका है। यहीं पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं पर यहाँ पर डालने से अच्छा फ्लेवर आता है। उसको अच्छे से हम मिलाते हुए और भूनेंगे जब तक ये सारा घी रिलीज ना कर दे। आप देख रहे हैं पाकिस पहले से काफ़ी गीला लग रहा है। अब इसको हम और भूनेंगे 2 से 3 मिनट, लमसम 15 से 20 मिनट हो जाते हैं भूनते हमें। तो यहाँ पर हमारा बेसन तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और रखेंगे इसको ठंडा होने के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमको, बस इतना ठंडा करना है कि जितना हम इसको लड्डू बनाए तो हाथ हमारा सह सके। उसमें पर हम पीसा हुआ चीनी डालेंगे। ध्यान रहे आपको पूरा पाउडर नहीं बनाना है, चीनी को दरदरा रखना है तो ही आपके जो लड्डू हैं हलवाई जैसे बनकर तैयार होंगे दानेदार। अगर चीनी का पूरा पाउडर रहेगा तो एकदम लड्डू जो है दानेदार नहीं बनेंगे। आप अपने हिसाब से मीठा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो मीठा चीनी ज़्यादा ऐड कर ले, अगर कम पसंद है तो चीनी थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चीनी को अच्छे से मिला लिया है, हाथों से मसलते हुए हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम अपना लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाना तो बहुत ही आसान है, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही सारे लड्डू बना रहे हैं लेंगे। अगर आपको थोड़ा बैटर जो है गीला लग रहा है तो इसको हम क्या करेंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जो है ये टाइट हो जाए। जब घी जमेगा तो टाइट हो जाएगा, तभी मुझे ज़रूरत नहीं है उसको रखने के लिए। लड्डू काफ़ी आसानी से बन जा रहे हैं तो ऐसे ही बाकी के सारे हम लड्डू बना लेंगे। ऐसे ही सारे लड्डू हम बना के तैयार कर लेंगे। तैयार है हमारा यहाँ पे बहुत ही टेस्टी दानेदार हलवाई जैसे बेसन के लड्डू। बनाना तो बहुत ही आसान है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी बिगड़ेंगे नहीं। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।